मनीष कौन है? मैं हूँ, तुम कौन? मैं इंस्पेक्टर सोहन लाल, सेक्टर 37 के थाने से। इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर? क्या हुआ? पुलिस का नाम सुनते ही तुम्हारी हवा टाइट क्यों हो गई? अरे सर, हम शरीफ लोग हैं, पुलिस से तो अच्छे अच्छों को डर लगता है सर। हाँ ठीक है ठीक है, मैं पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आया हूँ। अच्छा, पासपोर्ट वेरिफिकेशन? अरे सर, पहले क्यों नहीं बताया, आइए अंदर आइए। क्यों बनवाना है पासपोर्ट? सर वो क्या है ना, मिसेज को वंडर्स ऑफ वर्ल्ड दिखाना है सर। आधार कार्ड, पैन कार्ड और बिजली के बिल की दो दो कॉपी लेकर आओ। हाँ सर जरूर। प्रियांशी, दराज से एक डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर है, वो लेकर आओ। और सर बिजली का बिल तो ये रहा, आज ही आया। 24,012? ये क्या है, तुमने 3 महीने से बिल नहीं भरा, तुम तो पहले से ही डिफॉल्टर हो। अरे सर अभी हाथ थोड़ा टाइट चल रहा है, बिल का क्या है, भर देंगे ना। हाँ ठीक है, लेकिन बिल समय पर भर दिया करो, जरूरी है। हाँ हाँ, टाइम से भर दिया करेंगे सर। ये नीरजा कौन है? सर माँ है मेरी सर। हाँ तो उन्हें बुलाओ, उनके साइन लगेंगे। स्वर्गवास हो गया सर। कब? सर एक महीना पहले माँ हम सबको छोड़ के इस दुनिया से चली गई सर। अपनी जिंदा माँ को मार दिया। अरे अभी जिंदा माँ कहाँ से लाऊं, वेरिफिकेशन हो जाने दो। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कोई बात नहीं, डेथ सर्टिफिकेट ले आओ। वो तो नहीं है सर। सर वो बनने के लिए दिया है, जैसे बन जाएगा मैं थाने में आकर जमा कर दूंगा ना सर। देखो भाई, माँ का डेथ सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, ये जरूरी चीजें होती है, बहुत काम में आती है, जल्दी बनवा लो। अरे अंधा हो गया है क्या तू? कब से फोन मिला रही हूँ, तुझे फोन नहीं दिखता? बस अड्डे पे बैठे कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ मैं, और तू ये कबूतर से आदमी के साथ बैठ के चोर चढ़ा रहा है? हैं? कबूतर? कौन बदतमीज लेडी है ये? अरे माँ है सर। माँ? माँ सी है सर, गाँव से आई है, गवार है, इसको समझ में नहीं आता किसके सामने क्या बात करनी है। मासी? मासी है मैं तेरी, और गवार बोल रहे मुझे ये? अरे ये कबूतर से आदमी कौन है, पहले तो बता मुझे ये है कौन? अरे सर आप उधर छोड़ो, इधर ध्यान दो। बहुत डेंजर लेडी है भाई, इसे बांध बूंद के रखा करो, और हो सके तो रवाना कर दो जहां से आई है। हाँ सर भिजवा देंगे भिजवा देंगे। और कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में? सर दो ही लोग हैं, मैं और मेरी भाई। ये हरीश? सर छोटा भाई है सर, 1 महीने पहले हमारा बंटवारा हो गया सर। एक बात बता भाई, तेरे साथ ये सारी भसड़ 1 महीने पहले ही क्यों हुई थी? अब इस हरीश ने भी अपने पड़ोसी के साथ मारपीट 1 महीने पहले की थी ना? हाँ सर, इसीलिए तो उस नालायक को मैंने घर से बाहर निकाल दिया, अब उसके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। मनीष भैया, ये जो अपना नुक्कड़ वाले पनवाड़ी है ना, आज इतने तबियत से धोया मैंने, साला मुझे उधार देने के लिए मना कर रहा था मुझे। अब ये नमूना कौन है? अबे ओ चंपू, नमूना किसे बोल रहा है? मनीष भाई बताओ इससे मेरे बारे में कौन हूँ मैं? सर ये हमारे पड़ोसी का लड़का है, अरे दिमाग से थोड़ा पैदल है, सतीश नाम है इसका। ओए सतीश, पुलिस वेरिफिकेशन चल रही है, तू जाना यहाँ से। सॉरी सर, सॉरी सर, चलता हूँ चलता हूँ। हरीश आया था क्या? अरे हरीश यहाँ क्यों आएगा, उसे तो निकाल दिया है ना। सतीश आया था। कौन सतीश? अरे पड़ोसी का लड़का। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर के लिए चाय बना के लाओ। अच्छा सर, आप कहाँ हरीश और सतीश के चक्कर में पड़े हैं, ये रखिए। ठीक है ठीक है, आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी लाओ। सर ये मेरा आधार कार्ड सर, ये मेरा राशन कार्ड, ये मेरा स्थानीय निवास प्रमाण पत्र सर, और ये मेरा मूल निवास प्रमाण पत्र। और कुछ चाहिए सर? डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पूरे हैं, अब दो पड़ोसियों को बुलवा लो, उनके साइन चाहिए होंगे। पड़ोसी? ये लीजिए सर, आ गए पड़ोसी। हाँ भाई वेरिफिकेशन करा दो। कहाँ रहते हो तुम लोग? सर चार घर छोड़ के P15 में। कब से जानते हो उन्हें? 1 महीने पहले से। इनका दूसरा घर किराए पे लिया है हमने। ये भी 1 महीने पहले। इनकी गवाही मानने नहीं होगी। ऐसे कैसे नहीं मानी जाएगी? गवाही देना तो हमारा पुश्तैनी काम है। सर ये लीजिए हमारा कार्ड। आपको कभी भी कहीं भी किसी भी तरह की नहीं हो ये पुरानी सच्ची हो या झूठी गवाही दिलवानी हो तो हमसे संपर्क करें, क्योंकि हम हैं माँ कसम गवाही वाले। गवाही तो छोड़ो, ये बताओ पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है तुम लोगों का? पुलिस वेरिफिकेशन? नहीं सर, हमारा तो छोड़ो, इनके किसी भी किराएदार का नहीं हुआ है।
ये पकड़ो अपना कार्ड, इसे बत्ती बनाओ और यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, वरना मार मार के दोनों की तस्वीर लाल कर दूंगा मैं। अरे तुम रुको सर, आप वेरिफिकेशन पे ध्यान दीजिए ना सर। क्या वेरिफिकेशन? तुम्हारे गवाह तो फर्जी है। अरे सर वो फर्जी है, ये वाला असली है। 2000 का सर। इसमें काम नहीं चलेगा, कम से कम 10,000 लगेंगे। 10,000? अरे सर मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पास जो भी थे मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ सर। अरे तो हम दे देते हैं ना, वैसे भी किराया तो आपको देना ही है। ये लीजिए भाई साहब 10,000, 5 इस महीने के और 5 एडवांस। ले हो गया तेरा काम, समझ ले पासपोर्ट बन गया, आ गया तेरे पास। अरे मुंह क्यों सजा रखा, खुश हो जा, अब अपनी वाइफ को ले जाइए वंडर्स ऑफ वर्ल्ड दिखाने, मैं चलता हूँ। और तुम दोनों पुलिस वेरिफिकेशन करवा लो अपना, हटो। अबे गधो, उसे 10,000 रुपए क्यों दे दिए? अरे आप ही तो बार बार किराए के लिए कॉल कर रहे थे और हमें जरूरत दिखी तो हमने दे दिए। अरे तो मुझे देने तो उसे थोड़ी ना देने थे। मनीष कौन है? हाँ सर मैं ही हूँ। मैं सेक्टर 37 थाने से आया हूँ पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए। अरे सर वेरिफिकेशन तो हो गया, अभी दूसरे ऑफिसर आए थे। हो गई? तुम्हारा केस तो मेरे पास है। आपके पास? तो फिर वो कौन था? मेरे पैसे। अबे